ॐ श्रीगणेशाय नमः नमः संस्कृताय गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं याकुन्देन्दुतुषारहार धवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या विङ्गावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्माशना या, श्वेत या ब्रह्माचित् शङ्करः प्रभृतभिरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निहशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परम माद्यं जगद्व्यापिनीं विङ्गडा पुस्तकधारिणीम् अवद्यां हस्तस्फाटिकमालिकां विदधतिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भम कर सभी लोगों को नमस्कार आयुष्मान भव दिग्विजय भव कीर्तिमान भव हमारे साथ में पूर्णिमा जुड़ी हैं वीरपाल जुड़े हैं गुड आफ्टरनून सभी लोगों को नमस्कार तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं सबसे पहला प्रश्न है ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा ग्रस्त सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग सामने है दिया गया है ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा सुप्त ग्राह्य मुक्त या फिर लुप्त ग्रस्त होता नहीं कि ये रोग से ग्रस्त है ना तो रोग से मुक्त हो जाए तो क्या हो जाता है ग्रस्त का विलोम क्या बन जाएगा मुक्त बन जाएगा ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन लेना प्रश्न संख्या दूसरे की ओर हम लोग चल रहे हैं यहां पे है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है बताओ इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा सभी लोग उत्तर जरूर करें जितने भी सभी लोग हैं सभी लोग उत्तर जरूर करें शुद्ध तो वर्तनी वाला शब्द कौन सा मिलेगा भगीर भगीरथी भागीरथी भगीरथी या फिर यह ए बी सी डी में से जो सही है उसी को आप लोग बताइएगा निश्चित तरीके से उत्तर आ रहा होगा आप लोगों का भागीरथी कितने लोग उत्तर कर रहे हैं आयुष्मान भव दिग्विजय भव चिरंजीव शिव कीर्तिमान भव सभी लोग आ, लिंक को शेयर करें जितना भी हो सके सभी लोग शेयर जरूर करें जहां भी हो सभी लोग शेयर करें और क्लास में जरूर आए तो इस प्रश्न का उत्तर क्या बन जाएगा भागीरथी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ओर हम लोग चल रहे हैं स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं पर। उच्चार स्थान है के आधार है उच्चारण स्थान पर मूर्धन्य कौन है तो आपको पता होगा क्या कि रिटू रसाड़ मूर्धा क्या रिटू राम मूर्धा तो रिवन का टू ट और र और इस स ये सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा मूर्धा हो जाएगा राइट आंसर क्या निकल के चला आएगा मूर्धन्य अर्थात ट ट ठ ठ ड ढ ड टन कौन 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 सा बन जाएगा ट ठ ड टॉ तो ये आपका सी क्या हो जाएगा करेक्ट सी में मूर्धन्य वर्ण रखे गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए यहाँ देखेगा दिया गया है चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है संधि नहीं संधि ठीक चंद्रोदय में कौन सी संधि होगी ये प्रश्न आपको बताना है चंद्रोदय इसमें संधि कौन सी हुई है चंद्र उदय अ से हुआ है ओ और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अ ए, ए ओ दिखाई दे तो गुण संधि हो जाता है यहां पर ओ दिखाई दे रहा है चंद्र उदय ओ तो क्या हो जाएगा उत्तर क्या हो जाएगा आपका गुण संधि हो जाएगा प्रश्न संख्या चार उत्तर क्या बन जाएगा गुण संधि ठीक बी करेक्ट हो गया नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की ओर चलिए देखिए अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला सभी लोग बताते रहे जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग उत्तर बताते चले सभी लोग शेयर भी कर दें और अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है प्रज्वलित समुज्ज्वलित उज्जवल समुज्ज्वल ध्यान दो यहां पर ये तो दो तो एकदम बिल्कुल करेक्ट है समुज्वल फिर समुज्वल दोनों में से कोई एक हो गया या सही है तो यह तो उज्जवल में क्या होता था आप को पता है समुजल समुजल हालांकि पे अगर अगर हम देखें तो अगर रहता। तो रहता भी ऐसा होता था। था। और यहाँ पे समुज्जवल दो, हालांकि हो जाएंगे समुज्वल उज्जवल से बना है उज्जवल देखो ये सही है तो समुज्जवल यहां पे ऐसे कर लो इस वाले को यहां पर आप गलती कर दो क्योंकि यहाँ पे एक ही जय है मूल बात यहाँ दो था इसको छप गया ऐसा ध्यान देना उज्जवल कैसे होता है यह वाला उज्जवल करेक्ट है तो इसी वाले उज्जवल की तरह यहां पर बनेगा सम उज्जवल सम उज्जवल सम उज्जवल ठीक है तो ज्वल ज्वल ध्यान देना दो ज आधे होते हैं ऐसा फिर वह ल तो इस ये वाला ध्यान देना ये तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आप ले लीजिएगा हालांकि उत्तर इसके लिए दिया गया है वो कभी कभी क्या होता है कि छापने में इधर हो जाता है आप पकड़ लिए होंगे कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है यहाँ दो ज और वो एक आधा ज इसी की वजह से गलत हुआ है भगीरथ प्रयत्न करना या भगीरथ प्रयत्न कोई एक मान चलो मुहावरा है लोकोक्ति भगीरथ प्रयत्न करना ना तो क्या होगा तो ये प्रश्न संख्या छठवें में इसका मतलब क्या होगा भगीरथ प्रयत्न करने का क्या अर्थ होगा भगीरथ प्रयत्न करने का क्या अर्थ होगा सभी लोग बताए भगीरथ प्रयत्न क्या होता है साधारण प्रयत्न करना असाधारण प्रयत्न करना कभी समाप्त न होना तो भगीरथ प्रयत्न करना मतलब बहुत मतलब बहुत मेहनत कर देना बहुत मेहनत करने का क्या मतलब यहाँ पे निकल के आया क्या हो जाएगा असाधारण बहुत कठिन वाला कर दें असाधारण प्रयत्न ऐसा कोशिश कर दें भगीरथ प्रयत्न असाधारण प्रयत्न जो साधारण न हो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है किस में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है देखो यहां पर उपसर्ग देखें तो उपकार उप इसी में है और ये अप जो है ना ये अपना से अपनापन है अपनापन तो यहां पे ध्यान देना उप और लाभदायक इसमें ला नहीं है ठीक लापरवाह में आप कर सकते थे लापरवाह नहीं लाइलाज जिसको बोलते हैं लापरवाह तो है। ला बेलाज लाइलाज इस तरीके से तो उप वाला इसमें देखो प्रत्यय है अप यहां पे नहीं है ठीक अपकीर्ति होता अपमान होता वहां पे हो जाता लेकिन यहां पे ध्यान देना उप हुआ है उप स्तर का प्रयोग किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन जंगल शब्द का पर्यायवाची है प्रमोद विश्रांति कांतार या फिर दीव प्रश्न संख्या आठ सभी लोग उत्तर जरूर करें आठ में क्या होगा कांतार होगा क्या होगा जंगल शब्द का अरण्य होता है जंगल होता है कानन होता है उसमें कांतार भी होता है ठीक है ठीक आगे देखेगा। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होगा क्रोध शब्द जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा संताप अमर्ष वायमनस्य भांति तो पर्यायवाची क्या बताओगे क्या संताप अमर्स वैमनस्य या फिर भांति प्रश्न संख्या नौ उत्तर क्या आ जाएगा अमर्ष क्या आएगा अमर्स मतलब क्रोध नेक्स्ट लेते हैं निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं अल्प प्राण कौन सी ध्वनि होगी ये देखो तो वर्गों के पहले तीसरे पांचवें और यण प्रत्याहार के वर्ण क्या होते हैं अल्प प्राण होते हैं तो पहला तीसरा देखो ये पहला ये तीसरा यही है स्वरों में होता नहीं है ये देखो दूसरा चौथा महाप्राण ये भी दूसरा चौथा महाप्राण तो क्या हो जाएगा पहला वर्गों के पहले तीसरे और पांचवें वर्ण वर्गों के तीसरे पांचवें पहले तीसरे पांचवें और यण प्रत्याहार का वर्ण क्या कहता है अल्प प्राण कहा जाता है और वर्गों के दूसरे चौथे और सल प्रत्याहार वाले जो वर्ण होते हैं ये महाप्राण कहे जाते हैं क्या कहे जाते हैं महाप्राण कहे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लो ग्यारह में आओ निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है ये आपको यहाँ पर उत्तर करना है कि पश्चिमी बोली में कौन सा रहे होगा बुंदेली ब्रज कन्नौजी या फिर बघेली पश्चिम मतलब उत्तर पश्चिम के जो उत्तर प्रदेश का यह आप देखोगे अगर मान के चलो कि यह इस टाइप का मान लो कुछ उत्तर प्रदेश हो जाए तो कह रहे हैं कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है मतलब इधर साइड कौन सी नहीं बोली जाती इधर साइड अगर यहाँ भी अगर हम मान के चलें इसको आधा आधा तो इधर इधर पश्चिम तो इधर वाला देखो हम्म इधर कौन से नहीं है बुंदेली बिल्कुल बोली जाएगी ब्रज बोली जाएगी कन्नौजी बघेली नहीं है ठीक बघेली इधर नहीं बोली जाती है बघेली बोली जाती है जो कमेंट करके बताना नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है जो भारतीय संविधान है जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनी है उसे बताओ राजभाषा वाला जो बनाया गया है राजभाषा किसमें दिया गया है तो ध्यान देना अनुच्छेद तीन सौ तिरालीस से लेकर करके तीन सौ इक्यावन तक राजभाषा के बारे में बताया गया है ठीक भाषा है और उसके बाद तीन सौ बावन से स्टार्ट हो जाता है तीन सौ बावन से तीन सौ साठ तक क्या इमरजेंसी ठीक इमरजेंसी स्टार्ट हो जाती है तीन सौ उनसठ में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है संविधान संशोधन वाला यह भी जाता है तीन सौ बावन भी पूछा जाता है ठीक इक्यावन कब पूछा जाता है ठीक मूल अधिकार पूछे जाते हैं डीपीएस पूछी जाती है ज्यादातर नागरिकता क्वेश्चन पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में द्रौपदी का चीर द्रौपदी का चीर ये जो है इसका अर्थ क्या होगा द्रौपदी के चीर का अर्थ होगा ये ध्यान देना पीसीएस भी क्वेश्चन पूछा है नारी का अपमान करना सर्वनाक कार्य कभी समाप्त न होना कतना तो द्रौपदी के चीर हो गया बा तो द्रौपदी के चीर हो जाने का क्या मतलब है द्रौपदी के चीर हो जाने का क्या अर्थ है इससे आप क्या समझोगे बताओ सभी लोग बताते चलो जय माता दी जय माता दी इसका मतलब हो जाएगा कभी समाप्त न होना क्या हो जाएगा कभी समाप्त न होना द्रौपदी का चीर होने का मतलब है कभी समाप्त न होना उनकी इतनी लंबी थी साड़ी की वो कभी समाप्त ही नहीं हो रही थी खींचने खींचते खींचते दूसरा परेशान कंशिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं एक कर्शिका हो गई और ये मध्यमा हो गई इस वाली अंगुली को क्या बोलेंगे ध्यान देना कंशिका ए मध्यमा इस वाले बीच वाली अंगुली को क्या बोलेंगे अनामी अनिमिका अनामिका अनामिका इसमें केवल वर्तनी जो जो सही रहेगा उसी को आप लीजिएगा करने के अर्थ में अगर आप तुतलाते पुतलाते तो कुछ भी सही सो लेकिन यहाँ पर वर्तनी वाली बात दे दी गई है तो उसके हिसाब से ही एग्जैक्ट आपको देखना है कि कौन सा होगा तो क्या बन जाएगा यहां से चलिए सभी लोग उत्तर बता रहे हैं अनामिका बिल्कुल करेक्ट ये हिंदी वाले सभी लोग कहाँ चले गए हैं हिंदी वाले पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम है क्या या फिर कहा दिन में वो इतने टाइम पे लोग कहां रहते हैं या फिर ये हो कि नहीं जैसे लग रहा है परीक्षा इच्छा नहीं होगी विलोम की दृष्टि से एक युगम एक युगम अशुद्ध है मतलब एक ठो सही तरीके से मिलान नहीं है आयात निर्यात दृश्य का अदृश्य प्रत्यक्ष परोक्ष सामिष देखो आयात का विलोम निर्यात होता है आप ये सबको पता है दृश्य का अदृश्य भी होता है ये भी पता होगा दृश्य का अदृश्य तो प्रत्यक्ष का परोक्ष ये भी सही सभी के सभी सही हैं ये आमिष का सामिश जो है आमिष आमिस नहीं है ठीक अगर आप देखो क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाया करो तो उसमें ये देखा करो कि कहां से आपका काम बन जा रहा है अगर आपको नहीं भी पता है कि, कि किसका कौन सा है है तो जो पता है, पहले उसको हटाओ जैसे आया का बात होता है हाँ हो ही नहीं सकता दृश्य हो सकता प्रत्यक्ष का परोक्ष नहीं हो सकता तो डी बचा है डी को लगा ही दो फिर कि हाँ डी ही होगा फिर जैसे देखो वही रंग का विलोम क्या होगा वही रंग मतलब तरीके से होता है बाहर वाले रंग से तो बाहर का चतुरंग तो होगा नहीं चार रंग वाला अभ्यंग नहीं ये भी नहीं होगा सर्वांग सर्वांग सर्वा ये भी नहीं है अंतरंग होगा मतलब बाहे बाहर बही का अंतर अंत हो होता है बही माने बाहर माने अंदर अंत माने अंदर तो यह अंतरंग हो गया ठीक तो ये हो जाएगा बी अंदर वाली शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ कौन सा है शुद्ध वर्तनी वाला इसमें से कौन सा शुद्ध है प्रश्न संख्या सत्रह अनामिका उत्तर चंडीगढ़ की है बहुत सही नारायण श्रीहरी उत्तर में चले गए बहुत सही बघेली को चंडीगढ़ बता रहे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा वीराहिणी वीराहिणी वीराणी तो इ, मतलब आपके सामने सब लिखा ही है आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्तर कर पाएंगे इसमें उत्तर क्या आ जाएगा वीराहिणी ठीक है सी जो है यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आगे देखते हैं दक्षिण दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा यह है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा इतना इसका मुख्यालय कहां पर है? हैदराबाद बंगलोर चेन्नई या फिर मैसूर ठीक बताते चलो यहां पे गलत हो गया थोड़ा ऊपर से बनाएंगे तो बन जाएगा इतना इधर से नहीं बन पाया और थोड़ा पास में जाएगा थोड़ा से उधर उठा पुठा बना दिए इसलिए सही नहीं बन पाया फिलहाल तो ये क्या बोला जा रहा है दक्षिण भारत का दक्षिण भारत मतलब यहां से इधर वाला सब तो इधर में कौन कौन आगा हैदराबाद मंगलौर चेन्नई मैसूर तो चेन्नई में है कहां पे है चेन्नई में चेन्नई कहाँ है इधर साइड पड़ेगा ना चेन्नई और इधर क्या है मंगलौर मंगलौर भी एक इधर जगह है केरल वाला यहाँ गोवा ये महाराष्ट्र हो जाएगा आपका गुजरात हो गया यहाँ गुजरात फिर राजस्थान ये फिर पूरा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश प, पंजाब हरियाणा और फिर उधर ऊपर क्या हो जाएगा फिर हिमाचल प्रदेश हो गया यहाँ पे क्या होगा जम्मू कश्मीर वाला ठीक और फिर यहाँ उत्तर प्रदेश फिर बिहार यहाँ अब बनाते बनाते सब चले जाओ सब तो कुल मिला जुला करके यहाँ क्या हो जाएगा चेन्नई ठीक है नेक्स्ट में चलते हैं हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है हिंदी भाषा के विकास का इसमें कौन सा बनेगा छत्तीसगढ़ में कोई कह रहा है छत्तीसगढ़ में हाँ छत्तीसगढ़ में बनाओ छत्तीसगढ़ की बघेली <सथ> चलिए ठीक तो इस वाले प्रश्न का उत्तर बताओ क्या हो जाएगा हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा होगा ध्यान देना मैं बताया था पाली प्राली नहीं पाली फिर प्राकृत हुई फिर अभ्रांश हुई फिर हिंदी हुई ठीक इसके पहले संस्कृत थी ना बहुत पहले तो ए वाला करेक्ट हो जाएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह बीस वाला तल्ली तोरली संधि है कौन सी बनेगी तोरली तोरली कहता है कि अगर त तो वर्ग के बाद में वर्ण आए तो यह त तो वर्ग केवल और केवल ल में बदल जाएगा ठीक त तो तो वर्ग के बाद ये त तो थ तो 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 नहीं है ये तो 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 ये भी था तो भी था ये था लेकिन देखो यहाँ पे त तो आधा ल है तो ये अगर आधा ल इसका मतलब आधा त तो रहा होगा समझो थोड़ा अगर इसको हम अगर लिखें तो ऐसे लिखेंगे कैसे ध्यान से देखो इस तरीके से ती तो न ऐसा इसका मतलब इसके पहले या तरह तो होगा तो तरह तो क्या होगा तो तो धन लीन ठीक तो धन लीन तत तो धन लीन तीन तो यह वाला रहेगा डी करेक्ट हो जाएगा हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि द वाला भी हो जाएगा तो द वाला कर दे बैठे कर देते है तो द हलंत रहता तब एक बार सोचते हम कि द हलंत रहता तब यहाँ त तो हलंत मिलेगा तब यहाँ ल हलंत मिलेगा द पूरा पूरा ल तो हो दूरा लगा तीन गलत हो जाएगा त लीन गलत ये सब करेक्ट इनकरेक्ट तो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा तत् धन लीन तल लीना। और यह हो जाएगा तोर है। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा मतलब पीछे पीछे चलने वाला इसके लिए एक शब्द क्या होगा अनुचर अनुगामी अनुवर्ती अनुगमनीय क्या बनेगा क्या बनेगा हाँ तो क्या हो जाएगा पीछे पीछे चलने वाला तो जब पीछे पीछे चलने वाला क्या होता है अनुगामी ठीक क्या होता है अनुगामी अनु अनुगामी अनुवर्ती आगे वाला अनुगमनी चलना चाहिए पीछे चलना चाहिए आड़े समय पर काम आना का अर्थ क्या होगा आड़े समय पर काम आना आड़े समय मतलब मुसीबत में सहायक होना या इनकार करना हत्या करना सिफारिश करना इनकार हत्या ये सब कुछ नहीं मुसीबत में काम आए मतलब आड़े समय में काम आए लोग कहते हैं ना कि आड़े गाढ़े में जो काम आए वो अच्छा मित्र है मुसीबत में जो मुसीबत में काम आए ठीक यह हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जटिल का विलोम क्या होगा जटिल मतलब बड़ी कठिन हो जाता है तो जटिल क्या होता है सरल जटिल क्या हो जाएगा सरल यही सही होगा पहले ही सही हो गया कुटिल सहज और जटिल तो हो ही गया नहीं क्या मिल जाएगा सरल क्रिदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं क्रिदंत ये जो क्रिदंत है वह किन शब्दों से जुड़ते हैं संज्ञा से जुड़ते हैं कि सर्वनाम से जुड़ते हैं विशेषण से है? क्रिया से ध्यान रखिए जो कृत प्रत्यय होते हैं क्रिदंत वाले ये क्रिया से ही जुड़ते हैं किससे जुड़ते हैं क्रिया से ठीक है राइट right आंसर क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट चलो ले, ले लेते हैं नील गाय में कौन सा समास होगा किसमें नील गाय अब नहीं लगाया में समास बताओ कौन सा होगा नोटिफिकेशन नहीं आया लग रहा है इसीलिए अभी बहुत सारे लोगों तक दिक्कत हो रही है ना बहुत सारे लोगों तक अभी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं गया जिसमें परेशानी मैं इसीलिए कहता हूं बेटा कि नीचे ई लर्निंग विद दुर्गेश ई लर्निंग विद दुर्गेश एक टेलीग्राम पर एक और लिंक है मतलब एक, एक तरीके से ग्रुप है वो ठीक चैनल उसमें बहुत सारी चैटिंग नहीं होती तो ई लर्निंग ई लर्निंग दुर्गेश ये इसका डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है तो इसपे आप जाकर करके सीधे सीधे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो उसपे हो जाएगा वहां से आपको डेली नोटिफिकेशन शेयर किया जाता है ठीक है आई बात समझ में या तो फिर जो लोग हमसे केवल अभी मतलब कुछ अगर मुझसे अगर कुछ कुछ पूछना चाहते हैं मेरे पेज अगर संपर्क करना चाहते हैं हमसे डायरेक्टली जो जिसका मैसेज हम देखें तो उसमें आप सीधे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के एक दो दिन तक कमेंट करने पर मिल जाता है अदरवाइज फिर यहां पर प्रकाश सर वाराणसी आप देख रहे हैं उसको सर्च करके जुड़ सकते हैं तो मुझसे भी जुड़े रहेंगे ठीक है नील गाय में कौन सा समास है तो नील गाय में क्या हो जाएगा नीला गाय गाय के साथ नीला तो क्या हो जाएगा कर्मधार विशेषण विशेषता वाला जब ये सब बात आती तो यहाँ पे क्या हो जाता है कर्मधार हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन धोबिन धोबिनी धोबनी धोब ऐसा कुछ जो भी आप बताइए और वहां पे सभी लोगों को लिंक भेज दिया जाता है ठीक है वहां पर पहले ही लिंक भेज दिया जाता है सुबह ही बता दिया जाता है चलिए तो इसमें क्या करोगे भाई 26 नंबर में आप लोग क्या करना चाहते हो 26 में बता दो तो 26 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वह कौन सा होगा ए होगा क्या होगा ए कौन सा राइट होगा धोबिन धोबिन धुलने वाले जो कपड़ा धोते हैं उसमें निर्वाह में उपरुक्त सॉरी निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है निर्वाह निर्वाह में बताओ कौन सा उपसर्ग है? नी निर नी, नीर या निरी तो प्रश्न संख्या सत्ताईस उत्तर क्या आएगा आपका तो बोलो प्रायपी अनु निर दुस दुर तो निर आएगा क्या आएगा निर इसमें से कितने लोग हैं जो टेलीग्राम से जुड़े हैं सभी लोग एक बार कमेंट करके बताना जो टेलीग्राम से जुड़े हैं जो टेलीग्राम से जुड़े हैं वो कितने लोग हैं जो ई लर्निंग दुर्गेश जो अपना टेलीग्राम चैनल है या फिर एप्लीकेशन है कितने लोग उसमें जुड़े हैं जो लोग जुड़े होंगे उनको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन तो मिल ही रहा होगा पूरा पूरा सारी इंफॉर्मेशन उसमें शेयर की जाती है ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं निर उपसर्ग है आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है ध्यान देना हिंदी बताई गई है कृत प्रत्यय कितने हैं जो क्रियाओं से जुड़ते हैं तो जो लोग टेलीग्राम से जुड़े होंगे उनको मैसेज मिल गया होगा मैसेज तो मिला ही होगा जो लोग टेलीग्राम से जुड़े होंगे उनको मैसेज मिल जाता है पूरे क्लास की वहां पे अलग से शेयर कर दी जाती है तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है अट्ठाइस तीस चालीस पचास तो इसमें आप लोग रट लीजिएगा हिंदी के लिए हम यहां पर फिक्स कर दे रहे हैं हिंदी किताब में लिखा देखें हम अट्ठाईस तो एक क्वेश्चन हमको याद आया कि अट्ठाइस में क्वेश्चन में अट्ठाइस बनाओ ठीक तो कृत प्रत्यय हिंदी में अट्ठाइस जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो रस्सी माने दाम तो जिसके पेट में मां ने रसी बांध दी हो उसको क्या कहेंगे उसको क्या कहेंगे दामाद या दामाद इतर या दाम या दामोदर बताओ हाँ जितने भी लोग जुड़े हैं जुड़, जुड़ने रहने से क्या होता है क्लास मिस नहीं होती है आप लोगों की ठीक है कोई क्लास मिस नहीं होती है आगे देखना इसमें क्या हो जाएगा दामोदर दामोदर कृष्ण दामोदर कृष्ण जी के बारे में ध्यान देना उसमें उसमें आता है कि उनकी माता जी रस्सी बांध दी थी याद है सबको तो दामोदर इसीलिए कहा जाता रामनारायणम जानकी वल्लभम इस प्रश्न का जब इस टाइप का जब उत्तर प्रश्न आता है तो हमारा हालत खराब हो जाता है इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं आप लोगों के ऊपर डिपेंड करूंगा आप लोग जो उत्तर बताओगे वही हम इस पर समझेंगे कि हाँ क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग बकायदा क्वेश्चन नंबर डाल के तब बताएंगे प्रश्न संख्या आ, कौन सा बनेगा या तीस प्रश्न संख्या तीस डाल के सभी लोग उत्तर जरूर करना और तब बताना कि यहां कौन सा है हम घबरा जाते हैं इस प्रश्न में अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम राम नारायण जानकी स्वम आप लेट हैं अभी बहुत आपका वीडियो बहुत पीछे चल रहा है उसको आप और आगे कर लीजिए तब चलेगा ठीक है सभी लोग विसर्ग कर रहे हैं एक आध लोग उसमें अलट पलट मार दिए कहीं कहीं हिंदी में लिख दिया है व्यंजन संधि और एक्चुअल में उसको विसर्ग संधि होना चाहिए था देखिए ध्यान से ये बनता है हरि ही धन चंद्र बराबर हरिश्चंद्र ना अगर बनाना होगा तो अगर बनाना हो, तो चंद्र संस्कृत बार बता रहे हैं विसर्ग का विसर्जनीय सूत्र से, से यह सकार हो जाता है तो हरिश धन चंद्र बनता है क्या बनता है हरिश धन चंद्र इतने विसर्ग से आता है फिर यहाँ पे इस सकार के बाद वर्ण मिला है इसलिए सूत्र से चुत संधि होकर करके यह सकार शकार में बदल जाता है तब हो जाता है आपका हरिश चंद्र ठीक इस, इस तरीके से यह बदलता है अब यहां से डायरेक्ट अगर यहां आता तो हम लोग इसको विसर्ग संधि करते हैं लेकिन यह दो ट्रिस्ट में जा रहा है यहां से यहां तक में हो जाता है विसर्ग संधि और यहां से यहां तक में हो जा रहा है व्यंजन संधि ध्यान देना वहां से यहां तक विसर्ग यहां से यहां तक व्यंजन कभी कभी अगर डायरेक्ट पूछ दे कि इसमें कौन सी संधि है तब घबराहट हो जाती है तब घबराहट हो जाती है क्या कि यह तो इससे बना है यहाँ पे अगर इससे यहाँ पर बने तो डायरेक्टली हमको व्यंजन बताना चाहिए था कुछ किताबों में इसको व्यंजन संधि डाल दिए हैं ठीक मैं बता दे रहा हूँ कई जगहों पर हम देखे आ, पढ़ा दे, लिखा हुआ देखे हैं ये इसको लिख दिए हैं और चूंकि विसर्ग से हो रहा है यहां पर तब हो जाता है इस क्वेश्चन को पूछना चाहिए था इनको कि हरिधन चंद्र बराबर हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है एक आंसर आता विसर्ग संधि अगर कहते हैं हरिश धन चंद्र बराबर हरिश कहता तो हो जाता व्यंजन संधि केवल हरिश्चंद्र पूछ रहे हैं तब यह दिक्कत, दिक्कत हो जाती है और दोनों था इसलिए मैं यहां पर लेकर के बता रहा हूं आप लोगों को आप लोगों को याद होगा मनोरथ में पूछा जाता है किसमें मनोरथ तो मनोरथ में विसर्ग ही बताया जाता है मन धन रथ से ही मनोरथ बना है हालांकि उसके अंदर बहुत सारी स्टेप्स में होते 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 तब आता है वहां पे तो विसर्ग संधि उसमें दे देते हैं तपोभूमि मन इसमें हरि ही सेते या हरिस और कुछ बताइए चलति हरि ही धन चलति से हो जाता है हरिस चलति तो ये ऑप्शन जो है विसर्ग संधि ज्यादा प्रॉपर लगता है ठीक ज्यादा प्रॉपर लगता है लेकिन अगर ये दोनों अगर पूरी इसका एकदम एक तरीके से देखें तोड़-तोड़ करके तो लास्ट टाइम में व्यंजन संधि भी होता है किसी एक संधि को कैसे उसको हम कहें अभी ये चीज थोड़ा दिक्कत होती है हालांकि हरिधन चंद्र से अगर हरिचंद्र लेके आ रहे हैं तो विसर्ग संधि ही होगा ज्यादातर प्रश्नों में इसका विसर्ग संधि होना चाहिए जैसे मनोरथ में होता है जैसे मनोरथ में हो जाता है हालांकि इसमें तो कई बार चेंजिंग होती है दो तीन नियम इसमें कई स्टेप में जाता है तब बनता है तो सी ज्यादा सही होना चाहिए लेकिन किसी किसी किताब में ऐसा दिए हैं ठीक है किसी किसी किताब में इसके बारे में व्यंजन संधि लिखा है गुरु जी आपका क्या हुआ कार्ड डिलीट कर दिए अवारे आयुष्मान भव दिग्विजय भव भव कीर्तिमान भव आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिला था इसलिए आप लोग जुड़े लेट से तो आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइए जिससे स समय जो है आप लोगों को अलग से नोटिफिकेशन मिल जाया करे ठीक है काठ का उल्लू का अर्थ है काठ का उल्लू इसका अर्थ क्या होगा निर्जीव गुणवान मूर्ख या अत्यधिक सरल कहीं कहीं किसी किसी एक एक क्वेश्चन पर आंसर करना बड़ा मतलब आ, हो जाता है कि कारण बताओ कैसे तो बनता नहीं ऐसा ही स्पष्ट तो उस पर लिखना चाहिए उसको एक नियम बना दे वहां पे कि ऐसे ऐसे कंडीशन में इसको हम व्यंजन लेंगे ऐसे ऐसे कंडीशन में इसको हम या लेंगे ठीक है क्या हुआ भाई नारायण चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए मूर्ख बिल्कुल करेक्ट काठ का उल्लू मतलब मूर्ख होता है गुड़वान नहीं होता निर्जीव सरल नहीं क्या हो जाता है मूर्ख बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो जो है पहले उसको हटा लो अपने आप जो नहीं होगा बच जाएगा क्योंकि कुछ टेढ़ा मेढ़ा दिया है दामिनी होता है चंचला होता है तड़ित यह भी सब होता है वितुंडा नहीं होता है तो बिजली शब्द का पर्यावाची वितुंडा नहीं है जो होता है पहले उसको देखो बहुत सारे कभी कभी ऐसे ऐसे सब पर्यावाची शब्द आ रहे हैं जो मतलब ऐसा लगता है समझ में नहीं आता है कि इस ये भी होता है या किसका होता है ऐसा दिमाग में आता है तो जो होता है पहले उसको दिमाग पे तो आ ही जा रहा है लगे मिल जाते हैं उसको पकड़ो फिर हटाओ पीतांबर जो है एक शब्द पीत है अंबर जिसका इसका यहां पर वह क्या लिख दिए हैं आपका विग्रह भी लिख दिए हैं जिसका वह अर्थात अर्थात विष्णु जी अर्थात कौन हो गया विष्णु इसे कौन सा समास कहेंगे तो जब वह अर्थात लिख ही दिए विष्णु जी निश्चित तरीके से किसी अन्य पद की ओर क्या कर रहे हैं इशारा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बहुग्रही समास होगा पक्का हो जाएगा बहुग्रही समास पीतांबर में बोलो पीताम्बर अगर इस तरीके से लिख करके आ रहा है तो बहुब्रही समास होगा हमारे यहां संस्कृत में इसके लिए दो झमेला होता है एक होता है पीताम्बर एक होता है पीताम्बरम पीताम्बर बहुब्रही है पीताम्बरम जो है केवल पीले कपड़े से मतलब है तो यह कर्मधारय हो जाता है ध्यान देना यह बहुब्रही है और एक होता है कर्मधारे दोनों बातें ध्यान रखना संस्कृत में और यहां पे तो के ही आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं था जिसे किसी वस्तु की हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा मतलब थोड़ा सा ही केवल बस मतलब एक तरीके से बहुत कम अंतर में यह शब्द पर छापा गया है बहुत कम अंतर में अब आप इसको बताइए चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा निह स्प्रिह स्प्रिहा नहीं निस्प्रिया नहीं निह निहस्प्रिह यह और यह निस्प्रिय मतलब विसर्ग और यह तो दोनों में ध्यान देना थोड़ा सा अच्छे से दिमाग बैठा लो कि यह वाला सही होता है ठीक वर्तनी से संबंधित थोड़ी सी उसमें इधर हो सकती थी तरंग शब्द का पर्याय वाची है तरंग पुष्कर कुल जलद उर्मे उर्मे होता है ना उर्मी होता है प्रश्न तो संख्या पैंतीस तरंग को हम लोग पढ़े हैं उर्मी ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है बहुत महत्वपूर्ण इसमें लोग गलत करते हैं हमको स्टार मान नहीं आता है क्या जी चलो इसमें क्या हो जाएगा शब्द समूह को वर्णों के संकलन को शब्दगणना को वर्णों के व्यवस्थित समूह को तो वर्णों के जो व्यवस्थित समूह होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है ध्यान देना इसी इधर उधर कैसे भी रहेंगे तो नहीं होगा वर्णमाला एक व्यवस्थित उसका क्रम है ईमान बेचने का अर्थ क्या हो जाएगा सैंतीस में बताओ ईमान बेचना यह क्या होगा इसमें बताओ बिल्कुल सही डी डी अभी को कितने लोगों को नोटिफिकेशन गया सभी लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़े ताकि आप लोगों को ससमय नोटिफिकेशन पूरा मिल सके ईमान बेचना इसका अर्थ क्या है धोखा देना गलत काम करना या राना तोड़ना अपने कर्तव्य से हट जाना प्रश्न संख्या सैंतीस उत्तर बिल्कुल साफ साफ है उत्तर बताओ क्या होगा अपने कर्तव्य से हट जाना अपने कर्तव्य से हट जाना हाँ बहुत सही थोड़ा बहुत इधर रहता है वर्गों और वर्णों में छापने में कहीं कहीं वो फंट उसका साथ नहीं या डिस्टर्ब हो जाता होगा कैसे भी उले लेता होगा दूसरा कभी कभी मोबाइल में दबाओ ऐसा तो बाय डिफॉल्ट कुछ आ जाता है वो अपने आप बदल जाता है वही इधर होती है हम कई जगहों पे हम देखे हैं जहां पे वर्ण वर्ण होने के लिए वर्ग छप गया है इसका मतलब साफ साफ सा पता जाता है वर्ण है वो एग्जैक्टली उसमें कोई दिक्कत नहीं है समझ जाते हैं लोग जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो जिसकी पूर्व से माने पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द आप क्या बताओगे उसके लिए क्या बताओगे हाँ अभी दो झर्रा करके उत्तर देते हो आप लोग आनंद आ जाता है आनंद देखो उत्तर सबका देना चाहिए गलत हो रहा है कोई बात नहीं यहां गलत हो रहा है फिर सही हो जाएगा करते करते हो जाएगा अब जब करोगे ही नहीं तो फिर वैसे ही रहोगे इसको अप्रत्याशित कहा जाता है जिसकी पहले से कोई आशा ना हो वो अप्रत्याशित है अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है अभी एक दिन इस क्वेश्चन को मैं करवाया था यहां देखो सकार यह वाला नहीं होगा ठीक यहां वैसे भी आप देखो है यहां पे मूर्धन्य हो गया है यहां पर जो है यह बिल्कुल गलत है ठीक बी वाला इनकरेक्ट निम्न में से कंठ ध्वनिया कौन सी है अर्थात कंठ से उच्चरित होने वाली ध्वनि कौन सी है कंठ से तो अकुह विसर्जनिया नाम कंठ कघ यह सब क्या है कंठ से है एक कंठ से है ये अरल इचू यसा नाम तालु रिटू रसाणाम मूर्धा ईचू यसा नाम तालु रिटू रसाड़ाम मूर्धा ये मूर्धन्य है ये तालव्य है इसमें यह तालु का है यह मूर्धा का है और ये दोनों क्या है कंठ के हैं रोग पीड़ित में कौन सा समास होगा रोग पीड़ित इसमें बताओ कौन सा समास है जल्दी बताते चलो बहुत सही कर्मधारय द्वंद्व बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुष अच्छा विज्ञान इसमें से कितने लोगों को पेपर विज्ञान का भी देना है थोड़ा हमको एक बार कमेंट करके बताएं रोग पीड़ित प्रश्न संख्या इकतालीस रोग पीड़ित में कौन सा होगा पीड़ित है किससे रोग से तो रोग से पीड़ित होगा तो कौन से इसमें लगाओगे आप तत्पुरुष लगाओगे द्वंद्व बहुव्री क्या लगाओगे कर्मधारय किसको लगाओगे तो क्या हो जाएगा वह तत्पुरुष हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास रोग से पीड़ित है प्रतिमान प्रतिमान में आओ अच्छा अच्छा ठीक है रोटी बना ली ना जल जाएगा जय हो जय हो जय हो सभी लोग साइंस की क्लास में शाम को गायब रहते हैं बहुत कम लोग थे साइंस वाले क्लास में साइंस की क्लास अच्छी नहीं रहेगी क्या है आप लोगों को या साइंस पता नहीं था तो जब साइंस देना है तो फिर साइंस में आप लोग कब रह, कहां रहते हो साइंस में आते नहीं हो क्या बात है साढ़े आठ बजे से क्लास स्टार्ट हो गई है एक शाम में साइंस की उसमें हम लोग चैप्टर वाइज करते करते चार पांच चैप्टर कर चुके हैं चैप्टर वाइज करते करते एक साइड तक चलेंगे उसके बाद मिक्स टाइप क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत महत्व महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं ठीक है तो उसमें आप सभी लोग आइए गायब रहते हो पता नहीं चलता है या फिर पता ना हो तो पता कर लीजिए जुड़ जाइए ताकि आप लोग क्लास आप लोगों के लिए किया जा रहा है बहुत दिनों से आप लोग बोल रहे थे सर साइंस वाली नहीं चल रही है या ये नहीं चल रही है तो हम सोच रहे थे किसी दिन से देने के लिए अब साइंस की क्लास स्टार्ट हो तो क्लास भी आप लोग साइंस का करिए प्रति उपसर्ग है उपसर्ग आते ही वह अव्यय भाव समास आपका हो जाता है क्या हो जाएगा अव्यय भाव समास प्रतिमान लो कैसा पुरुष वीर पुरुष कैसा पुरुष महान पुरुष हाँ क्लास है लेकिन आप लोग जो है पता नहीं रहते हैं रिपीट कर दीजिएगा क्या क्या मतलब हाँ पा, चार पांच क्लास का वीडियोस है पढ़े हैं अभी उसको हम फिर से कर लेंगे अभी फिर उसको मिक्स टाइप वाले में कराएंगे तभी हो जाएगा ना अभी चैप्टर वाइज करने में क्या होता है कि बेसिक भी अगर किसी छोटा मोटा कोई टॉपिक आ रहा है तो हम उसके बारे में डिटेल भी बता दे रहे हैं जो लोग क्लास देखे होंगे उनको पता होगा कि अगर कोई टॉपिक उसमें बीच में कोई नया कॉन्सेप्ट आ रहा है तो उसके बारे में हम एक जानकारी भी पांच मिनट आपको दे दे रहे हैं ताकि आगे जब प्रश्न आए तो आप उसी पर आधारित प्रश्न आराम से कर लें ठीक है तो उसमें हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं अभी बहुत ज्यादा गहराई में नहीं उतरे हैं लेकिन स्टार्ट कर दिए हैं पहले दिन थोड़ा सा गहराई में उतरे थे कल थोड़ा सा और उतरे थे आज हम ऐसा हमको लगा कि जैसे आज मैं सपने में देख रहा था कि कोई कमेंट कर रहा है सर आप बहुत ज्यादा मतलब कठिन बातों को भी बता दे रहे हैं थोड़ा डीप में चले जा रहे हैं हल्का हल्का वाला बताइए हम सोचिए ज्यादा जा, डीप में चले गए थे क्या कल हम ऐसा हमको लगा ना फर्स्ट पेपर में ऐसा कोई साइंस का क्वेश्चन एग्जैक्टली फिक्स नहीं होता है कि नहीं आपका फर्स्ट पेपर में आप जो जो लोग उसमें देंगे मैथ uh, साइंस वाला देंगे पेपर uh, मैथ साइंस वाले में जाएंगे पेपर टू वाले में उसमें आता है हाँ दोबारा पढ़ा देंगे देख लीजिएगा एक बार अभी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाए हैं और जो है तरंग वगैरह उषमा वगैरह सब बचा ही अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं डिटेल वाली भी चीज अभी कम से कम एक दो बार पढ़ा लेंगे एक बार बार बहुत सारे क्वेश्चन करवा लेंगे पच्चीस तीस घंटे पढ़ा लेंगे फिर आवश्यकता समझ में आएगी कि आप लोगों का कौन सा टॉपिक उसमें कमजोर लग रहा है फिर एक एक टॉपिक को हम क्या करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे और अभी सारी क्लासेस उसमें फ्री में चल रही हैं क्योंकि इसी, इसी वाले प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पर ही चल रहा है फ्री में चल रहा है अभी कुछ दिन के बाद में पता चला कि कुछ सारी क्लासेस उसमें की पेड़ हो जाएंगी तो फिर क्या करोगे इसलिए अभी पढ़ लो समय मिलता है रहता है पढ़ लो वीर पुरुष पुरुष कैसा है वीर है अर्थात कौन सा हो जाएगा तत्पुरुष क्या हो जाएगा बहुब्रही तत्पुरुष अव्यय भाव या द्वंद प्रश्न का उत्तर सभी लोग क्या बता दिए हैं तत्पुरुष समास बिल्कुल करेक्ट हो गया रसोई घर में कौन सा समास है बहुत अच्छा घर कैसा किसका रसोई वाला तो जरूर देखिएगा मैराथन करवा देंगे मैराथन में क्या होता है ना कि हर चीज को मैनेज करके बैठ जाना पड़ता है और अगर उसमें जैसे इस लाइव को कंट्रोल करने के लिए एक लोग बैठा रहे हैं और लाइट वगैरह जैसे इंटरनेट या लाइट में कुछ दिक्कत आ रही है तो उसको भी कंट्रोल करने के लोग बैठे रहे फिर मैराथन करने में कोई दिक्कत नहीं आती है जब हम हम ही को सब कुछ करना पड़ेगा अलग इसी पे तो हाँ यूपी सुपर टेट में आता है इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग जो है जनरल साइंस सबको पढ़ना चाहिए जनरल साइंस जो है सबको आना चाहिए सामान्य प्रश्नों के उत्तर हर एक व्यक्ति को आना चाहिए साइंस के तो उसमें आप लोग जरूर पढ़िए जरूरी है ये सब विषय साइंस मैथ ये सब रीजनिंग फिजनिंग जहां पढ़ाई जाए जैसे भी वो समय मिले तब तक कर ले क्योंकि जब मेन एग्जाम आ जाता है तो मेन एग्जाम में फिर ये सब देखने का समय बहुत कम मिलता है तो एक एक टॉपिक तैयार रहता है तो मेन एग्जाम में कहेंगे चलो हमारा ये भी तैयार है ये भी तैयार है यही दो बचा है इसको कर लेते हैं तभी भाव आती है तो आप क्या करोगे उस पर भी है ये भी नहीं जानते तैयारी हो नहीं तैयारी है यही गलत होता है खाली समय में क्या करना चाहिए मेन एग्जाम की तैयारी करते रहना चाहिए जैसे अभी भी मैं कहता हूँ कि सी डी पी वगैरह या आई एस वगैरह में बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं जानता या बहुत ज्यादा सी डी पी को मैं नहीं समझता हूँ तो खाली समय में हमको जब समय मिलता है तो सी डी पी को वगैरह हम थोड़ा बहुत देखते रहते हैं ताकि हमको भी सी डी पी थोड़ा और अच्छे से आ जाए आता तो है बट वो तमाम मनोवैज्ञानिक आगे पीछे सब जो चलते रहते हैं बाद में हमको पता चला कि बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाते हैं आ, वो, वो भी पढ़ते पढ़े रहते हैं कुछ दिन तक याद रहता है भूल जाते हैं फिर हमको समझ में आया कि ये लफड़ा सभी जगह पे है सभी जगह पे है तो हम क्या चलो ठीक है लेकिन फिर भी करते रहना चाहिए जितने जितने कॉन्फिडेंस संस्कृत जितने कॉन्फिडेंस सा मैथ साइंस वगैरह इतना आता है उतने कॉन्फिडेंस नहीं आती है तो इसलिए होता है उसको और मजबूत करें यही कारण है रसोई घर में कौन सा समास है तत्पुरुष बहुवि द्वंद्व अव्यय भाव इसमें से सभी लोगों को पता होगा कि उनका आप बहुत बढ़िया होगा जब कहीं ज्यादा विशेष जानकारी वाली बात आती है तो हम वहां पर नहीं बोलते हैं रसोई घर किसका घर कैसा घर रसोई से संबंधित है विशेषता बता रहा है रसोई वाला है तो तत्पुरुष हो जाएगा अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा अन्वेषण धन्यवाद धन्यवाद बेम भूषण क्या ना चौहान तो आप लोग पढ़ते रहें करते रहेंगे समय जब देखिए दिमाग पर प्रेशर बनाओगे तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एग्जाम टाइम में एग्जाम टाइम जब आ जाए एग्जाम कहो कि अब हम तैयारी करेंगे ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट तब तब दौड़ भाग करके कुछ नहीं कर पाओगे बीच बीच में समय मिले तो जो जरूरी ज्यादा नहीं है थोड़ा कम जरूरी उसको भी पढ़ते चलो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है अन्वेषण ठीक खोजने से मतलब है तो यहां पर ध्यान दो व बना है ठीक व उ का व बनता है अब उ कहां कहां है यहां यहां नहीं है यहां पे है यहां पे है अनु अब वे अगर बन जाएगा उ का फिर एक ठो व बन जाएगा तब तो वे वे हो जाएगा, तो इसको भी काटो ए हो जाएगा अनु हलंत हो जाएगा ऊ का व हो जाएगा व में जब ए लगेगा तो वे हो जाएगा अन तो क्या हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा ध्यान समझो अगर आप इसको जो लोग नहीं समझ पाए थोड़ा सा ध्यान से देखा करो जो लोग पढ़ रहे हैं, पहले से समझ कि हम क्या बोले हैं अभी अभी जब पहले गुरु लोग हम लोगों को बोलते थे ना तो शुरू में हमको भी नहीं समझ आता था कि वो क्या क्या बोल ले गए लेकिन जब ध्यान से समझोगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा तब तो समझ आता है कि इसमें था ही क्या न यहाँ पे उ और यहाँ पे आगे हो गया ए सण यहाँ पे हो गया अ यही उ हम बोले हैं व में बदल जाएगा ठीक तो यहाँ क्या बचा अ न व फिर आगे हो गया एसण अब अगर यही वेषण होता तो यह व कहा जाता यहां तो एक यह ही वह था इसका मतलब यही है अब इस व में ए की मात्रा लग गई तो वे हो गया फिर अ न आधा हो जाएगा तो न आधा है अनवेषण हो गया यही बात हम बोले हैं कि यहां पर ऊ का व हो जाएगा अगर एक व यहां से है एक व यहां पे है तो कहां जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ ऊ है ऊ का व हो जाएगा व में एक ही मात्रा लगेगी वे बन जाएगा न आधा हो जाएगा अनवेषण अब जो लोग इसको अभी पढ़े हैं उनको समझ में आ गया होगा कुछ बहुत प्रकार के बच्चों का दिमाग होता है कई बार नहीं समझ आता है जो लोग नहीं जानते उनको नहीं समझ आता है चाहे वो बहुत छोटा ही क्यों ना हो और जिसको आता है खूब वो सब इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स उसके लिए सरल है और जो नहीं जानता है उसको वो साइन एक्स डी एक्स भी नहीं कर पाएगा बोलो सही बोले गलत जो नहीं जानता है वह इसको भी नहीं बता पाएगा उसके लिए यही बहुत कठिन है और जो जानता है उसके लिए ये भी बहुत सरल है ये भी छोड़ दो वो ये भी नहीं बता पाएगा कि डीएस वैल्यू क्या होगी इंटरनल डीएस क्या होता है वो भी नहीं बता पाएगा तो कुल मिला जुला कर -कर करके जब आवे तो सब सरल और न आए तो सरल और कठिन थोड़ा करते करते आता है संधि का संबंध किस संधि विशेष है ठीक यण संधि का तो इको यणच होता है सूत्र होता है क्या इको यणच तो इको यणच क्या कहता है इक का यण हो जाता है इक का यण हो जाता है और उलरी है या वरल जा रहा है तो रिलरी चेंज हो रहा है तो संधि आता है स्वर संधि में जाता है ठीक व्यंजन संधि में अलग है विसर्ग संधि अलग है दीर्घ संधि स्वर संधि का ही भाग है ना मूल रूप से संधि तीन होती हैं स्वर संधि में आते हैं दीर्घ संधि गुण संधि वृद्धि संधि यण संधि अयादि संधि पूर्वरूप संधि पररूप संधि भी उसमें आ जाता है और परसवर्ण संधि ये सब सबके सब आपके आ जाते हैं किसमें स्वर संधि में व्यंजन संधि भी पढ़ते हैं शुत्व संधि संधि जस्ट संधि पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं आप लोग तो बहुत वो सब अलग अलग पार्ट में जब चलते हैं तब वो समझ में आएगा अनुस्वार संधि अनुनासिक संधि चरतो संधि लत्तो लत् सब तमाम है उसमें तो हो जाता है आपका छियालीस क्वेश्चन का आंसर स्वर संधि के अंतर्गत आता है एक है देखो यहाँ नवोढ़ा क्या है नवोढ़ा थोड़ा दाग की तरह छप गया है यहाँ पढ़ा ढाढ़ा सभी में है तो नवोढ़ा ही बनेगा यहाँ ओ बना है अब आपको पता होना चाहिए कि यह ओ बनता कैसे है अगर यह पता होगा समझ जाओगे ठीक हाँ, नहीं होगा जरूर या वही अभी तक जो हमको कंडीशन बन रहा है अभी तक हमको लग रहा है कि पोस्टफोन जरूर होगा लेकिन ये लोग दिखाते ऐसे हैं आयोग वाले कि एकदम ले चल के एकदम पास में कहेंगे अपना कोई काम नहीं कर रहे होंगे पास में कह देंगे कि अब एग्जाम इसके कारण से नहीं होगा जबकि उनको भी पता होता है कि यह नहीं हो पाएगा अगर इस समय मैं प्रयागराज में होता तो मैं पक्का बता देता क्योंकि प्रयागराज में जितने भी अधिकारी लोग हैं ना सुबह जब मार्निंग वॉक पे आते हैं तो वहीं पूरी पूरी पूरे देश का हाल समाचार वहीं बतिया लेते हैं हम देखे हैं हम देखे हैं वो स्टेशन के बगल वाले में जो झूसी स्टेशन हुआ वहां पर भी बहुत सारे लोग रहते हैं तो वो झूसी स्टेशन के जस्ट सामने थोड़ा सा फील्ड है वहीं सुबह लोग जाएंगे और आठ बजे तक जो है खूब एक्सरसाइज करेंगे ढकाने हर विभाग वाले लोग वहां पहुंचे होते हैं और वहां पर केवल आप चुपचाप एक साइड बस बैठे रहिए या आप भी किधर बस एक्सरसाइज करते रहिए आप पूरी बात समझ जाएंगे कि क्या होने वाला है और आगे क्या निर्णय आएगा चाहे वो कोर्ट से संबंधित बात हो चाहे वो किसी विभाग से संबंधित बात हो सारी चर्चा वहीं सुबह हो जाती है एक घंटे में उन लोगों को सब पता होता है वो पब्लिक अभी नहीं हो पाता है यहाँ पे तो नोढ़ा का संधि विच्छेद क्या बनेगा ऊ यहाँ ओ बनाना है अ तो के बाद में जब ऊ या आ या आ के बाद अर्घ ऊ आए तो ओ हो जाए तो आ या आ किस में है कि यहां पे है यहाँ ओ है नहीं हो जाएगा यहाँ अ है यहाँ है। न तो अब देखना एक न, न से सीधे ओ बन जाता तो नो हो जाता तो नो तो है नहीं न वो है तो ये भी कट कर दो अब इस नौ और इस नौ में बात फंसी उढ़ा या उ यही दो बात है इसी में से कोई बनेगा देखो दो कंडीशन है नवधन उड़ा नवधन उड़ा अब ये चीज तभी आ पाएगा जब आप बहुत ज्यादा मतलब प्रैक्टिस करते रहोगे प्रैक्टिस करते रहोगे हर तरीके सब जैसे ईसह आ जाता है या इंद्र आ जाता है कई बार संधि में महेश सूर्य शह दिनेश या महेंद्र गिरेंद्र उसमें भी ह्रस्व और दीर्घ का ही चक्कर होता है जिसमें लोग क्या कर देते हैं गलत कर देते हैं कि इसमें रश्व लगाएं या इसमें दीर्घ लगाएं वो नहीं समझ पाते हैं तो ध्यान देना यहां पर क्या है यह वाला सही है दीर्घ वाला सही ऊढ़ा सही होता है नव ऊढ़ा जब पढ़ते पढ़ते आएगा अभी सोचो कि कभी किताबें ना खोलो समझ में आ जाए सब कुछ तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपको अपना नाम भी नहीं पता चलेगा कि आपके नाम में कौन सी मात्रा है जब आप उसको लिखोगे पढ़ेगा समझोगे तभी आएगा नहीं तो फिर वो भी नहीं पता चलेगा कि कौन सा जैसे हमारे नाम में प्रकाश तो हम न लिखे तो हमको नहीं पता चलेगा कि प्रकाश में क्या होगा यह होगा या यह होगा अगर इसमें से कोई कहे यह होगा तो सोचो एक होता है विकास यह वाला होगा यह वाला होगा विकास सोचो एक नंबर सही है कि दो नंबर सही है इसमें बताओ हाँ सब क्लोज है पंद्रह तक तो अभी देखते हैं फिर क्या होगा इसे बताओ क्या होगा मैं इसमें घर से रहता हूँ घर पे रहता हूँ अपने प्रयागराज वाराणसी के बीच में वाराणसी शहर में भी नहीं रहता हूँ इसमें बाहर आया हूँ मैं अपने होम एकदम क्या बोलते हैं इसको निवास स्थान और घर से ठीक है आवास से इसमें ध्यान देना विकास वाला सो जाता है यह विकास नहीं सही होता है प्रकाश में यह सही होता है यह नहीं सही है तो वही बात करते पढ़ते ही आता है अदरवाइज ना पढ़ो ना करो तो कुछ नहीं आएगा ध्यान देना फेरने से क्या क्या होता है घोड़ा क्यों अड़ा बिना फेरे घोड़ा क्यों अड़ा बिना फेरे घोड़े बैठ के अगर ऐसे ऐसे करना बंद कर दोगे तो घोड़ा रुक जाएगा पान का पत्ता क्यों सड़ा पान का पत्ता क्यों सड़ा बिना फेरे ठीक है बिना फेरे अगर पान के पत्ते को पान के पत्ते को अगर बार बार अगर उल्टा पलटा ना दिन भर में दस बार तो क्या हो जाएगा पान पत्ता सड़ जाता है तो पान का पत्ता क्यों सड़ा बिना फेरे विद्या क्यों नहीं आई बिना फेरे विद्या जितनी बार आप रिवाइज करोगे दोहराते रहोगे पेज पलटते रहोगे विद्या आएगा पेज पलटना बंद पढ़ना लिखना बंद विद्या नहीं आएगी तो बिना फेरे क्या क्या हो गया भाई क्या क्या हो गया बिना फेरे विद्या क्यों नहीं आई घोड़ा क्यों आड़ा पान क्यों सड़ा सबका उत्तर होगा बिना फेरे ठीक फेरना आवश्यक है अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है इसमें बताओ उपसर्ग कौन सा लगा है तो बोलो प्राप दुसदुरे वियां अधियति अविधुर मैं वाराणसी से हूं कहाँ से हूं वाराणसी से ठीक ना अब रही बात वाराणसी यहां से मेन कैंट हो गया वाराणसी जंक्शन इससे थोड़ी दूर पे यहां बी बी एच यू का अपना बड़ा सा कैंपस फिर ये सब यहाँ पे वरुणा अस्सी सॉरी वरुणा नदी हो गई फिर यहाँ पूरा कलेक्ट्रेट हो गया इधर सब कचहरी हो गई सब कुछ हो गया तो ये पूरा का पूरा एरिया बनारस में ही आता है ठीक अब वाराणसी जब कोई कहाता है तो मेन शहर ही केवल काउंट होता है यहाँ पे तो ये सब जो एरिया इधर सब बचा है सब सब वाराणसी ही है तो हम थोड़ा सा दूर रहते हैं इधर साइड रहते हैं जब बहुत पहले आवश्यक रहता था तो अंदर ही रहते थे फिर यहाँ और फिर हमारे से थोड़ी दूर बगल में मतलब अगर आप देखोगे वाराणसी और प्रयागराज के बीच में तो एक डिस्टेंस हम आपको एक मैप पे डाल दें दिमाग में कि सपोज करो यह क्या है वाराणसी और ये क्या है प्रयागराज तो हम ये यहाँ पर रहते हैं इसके बीच की डिस्टेंस 120 किलोमीटर और हमारे यहाँ से यह 25 से 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर मान लो 25 से 30 मान लो मेन जंक्शन का हम बता रहे हैं ठीक तो अब सोच ही सकते हो कि कितना नज़दीक है और यहाँ से हमारे यहाँ ये यह करीब वही सौ किलोमीटर मान चलो सौ सौ किलोमीटर जो एक सौ तीस हो जाएगा ना करीब वही मान चलो नब्बे पंचानबे किलोमीटर के आसपास थोड़ा ऐसे है ऐसे और कुछ नहीं अब इतना ज्यादा नहीं बता दिया अब गाँव का नाम नहीं बताएंगे बस इतना जानो ठीक है चलो ये देख लो तो अनु उपसर्ग है अनुवाद अनु उपसर्ग है जस्ट मिर्जापुर और वाराणसी का बॉर्डर है हमारे यहाँ चुनार थोड़े से दूर पे पड़ता है प्राची शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है प्राची शब्द का हाँ मिल जाते हैं अन से पहले से है सर तो है ही पर, प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या है प्राचीन प्रकृत पूर्व प्रज्ञा प्रसंख्या उनचास इसमें बताओ क्या हो जाएगा सी पूर्व ठीक प्राची पूर्व उसके कहा जाता है दिशा वाला है लास्ट क्वेश्चन अवर और प्रवर सॉरी अवर का विलोम क्या होगा अवर का नहीं बताया जाता है ओसर की तरह इतना ज्यादा हम मजबूत आदमी नहीं है कि हम अपना गांव का नाम भी बता दें सब बता दें ठीक दिक्कत हो जाती है बहुत परेशानी हो जाती है इतना ज़्यादा नहीं बताना चाहिए एग्जैक्ट लोकेशन बस इतना बता दिए ना कि ये वाराणसी ये प्रयागराज प्रयागराज भी बहुत दिनों तक हम रहे हैं यहाँ भी रहे हैं तो बहुत दूर नहीं थोड़े में ही है वाराणसी में ही समझ लो हैं और कुछ नहीं अब इतना भी तो बता दिए कि पिंडरा नहीं है वाराणसी आजमगढ़ वाले पे नहीं है वाराणसी गाजीपुर नहीं है वाराणसी चंदौली पे भी नहीं है वाराणसी प्रयागराज पे हैं अब बता तो दिए इतना बता दिए हाँ प्रवर का क्या हो जाएगा सॉरी अवर प्रवर ये दोनों एक अवर होता है एक प्रवर होता है यही सही है ठीक है कनिष्ठ का बता दो क्या होगा गजब गजब भाषा पहले सही कर लीजिए बहुत सही राइट आंसर सभी लोग बहुत करेक्ट बताए हैं सभी लोग बहुत करेक्ट बताए हैं अब अगर किसी को कुछ क्वेश्चन कुछ किसी को पूछना है तो जरूर बताए पूछ सकता है पूछो पूछो जल्दी पूछो अच्छो तुम थैंक यू थैंक यू पूर्णिमा स्वर्णलता भी हमारे साथ जुड़ी हैं बीना हैं राहुल हैं बीके बिहारी हैं बांके बिहारी ठीक और अमित सोनकर हैं दीपक लोधी हैं मीनाक्षी भारती हैं और वीणा सिंह कल्पना है फिर फरीन वानो हैं हमको नहीं लगता है कि हो पाए और हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है ईमान के चलना कि फिर वैसा ही हो जाएगा अलंकार भी करवा देंगे अलंकार रस छंद अलंकार सब करवा देंगे हाँ बिल्कुल सही बनास भी एक खुली थी थैंक यू थैंक यू सेलिब्रिटीज़ क्रिएशन भी हमारे साथ में दुष्यंत सिंह भी हैं और कौन है प्रियंका कुमारी हैं संगीता रविंद्र हैं सभी लोग अब तुरंत कमेंट कर दो ताकि जिससे मैं नाम सबका ले लूं बाद मत करना मेरा नाम नहीं लिए जब मैं क्लास ऑफ कर देता हूं तब आप लोग कहते हो सर मेरा नाम नहीं लिए ठीक सभी लोग समय एक बजे उपस्थित हो जाए कीजिए ध्रुराज कश्यप है हमारे गणित बहुत कमजोर है बस परीक्षा से डर लग रहा है नहीं नहीं कमजोर नहीं है सबका सही होता है थोड़ा कम आता है बस और कुछ नहीं क्वेश्चन अच्छे हैं थैंक यू कविता मौर्य स्वर्णलता भी हैं और ध्रुवराज कश्यप नरेश कुमार वरिष्ठ बता रहे हैं कनिष्ठ का वरिष्ठ ज्येष्ठ का क्या होता है बताओ ज्येष्ठ का ज्येष्ठ संगीता रविंद्र हैं मनीषा भारती हैं धन्यवाद वी चौहान हैं अनुभव चौधरी और हाय देख रहे हैं राजू चौहान सेलिब्रिटी क्रिएशन अनुभव चौधरी नरेश कुमार नाम तो ले लिए भाई हाँ नाम ले लिए अनुभव चौधरी का भी ले लिए अमित सोनकर का भी हो गया सभी लोग जो है लाइक भी नहीं किए हो जितने लोग का नाम लिया उतने लोग भी नहीं लाइक किए हैं सब आवारा गर्दी में घूम रहे हैं ध्यान देना कि गुरु से कपट और न मित्र से चोरी के हुई निर धन और के बिल्कुल बिलकुल कश्यप अमित सोनकर कल्पना माथुर आयुष्मान भाव आयुष्मान भाव कल्याण मस्तु धीरेन्द्र सरोज बिल्कुल दीपक कहां से आप लोग हैं ये तो बता देना चाहिए था कम से कम ये बताना चाहिए डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना चाहिए डिस्ट्रिक्ट और स्टेट उत्तर प्रदेश वाले केवल डिस्ट्रिक्ट का नाम बता सकते हैं जल्दी से बताओ सभी लोग कमेंट करो धड़ 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 जल्दी बताओ रंजना यादव रंजना यादव सुप्रिया मैं लाइक करी हूँ हाँ अभी बहुत कम लोग अभी भी कम लोग किए हैं पाँच छः लोग एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं बिल्कुल सम्मान करना चाहिए हम हमेशा से आशीर्वाद देते हैं कि सभी लोगों के ऊपर माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद बना रहे ऐसे ही बना रहेगा बलिया से हैं सीतापुर से नरेश हैं मिर्जापुर देखिए आ गए हैं धीरेन्द्र सरोज मिर्जापुर जी पास में ही है फिर क्या है रहन निशा गोंडा से संगम नगरी प्रयागराज से मनीषा भारती प्रयागराज अभी फिर आना होगा अभी बारह पंद्रह से फिर लग रहा है ना मेला देखा जाएगा फिर कोरोना क्या कंडीशन है थेसिल बिलहारी जिला मुरादाबाद अच्छा अच्छा बलरामपुर से हैं मदन चौहान आजमगढ़ से बिजनौर से यूपी के बलिया से सर मैं हरदोई से हूँ पीलीभीत में ससुराल है बहुत अच्छा बहुत बढ़िया सिराजे हिंद जौनपुर अच्छा सिराजे हिंद क्या ब्लॉक है जिला मतलब वहां पे कोई कस्बा है क्या सिराजे हिंद जो सर बार बार बोलते हैं सिराजे हिंद से मैं हूँ सर जी भी सिराजे हिंद से ही बार बार नाम लेते हैं सोर्नभद्रा कहा अभी चलेंगे किस दिन सर यहाँ भी चलेंगे तो मिलेंगे कि सिराजे हिंद कहाँ पे है बलरामपुर यूपी से प्रणाम सर आयुष्मान भाव दिग्विजय बहुत चरंजी भव कीर्तिमान भव दुष्यंत गाजीपुर भाँछ से हैं सर मैंने लाइक किया है बहुत सही कविता मौर्य मुरादाबाद से हैं बिलरी मुरादाबाद मैं पहले लाइक करती हूँ फिर क्लास करती हूँ मतलब पहले पता है कि अच्छा है बहुत सही आजमगढ़ से हैं चलिए गाजीपुर से कितने लोग हैं नहीं बताए वाराणसी की बहन है गाजीपुर सोनभद्र रावर्सगंज चलिए बहुत अच्छा बहुत पास से मिले हैं इस समय पर रेणुकूट का क्या कंडीशन चल रहा है वहाँ पे यात्रा खुला है या नहीं सर से पूछिए मनीषा भारती हाँ बिल्कुल सही चलिए ठीक है सर से पूछेंगे कि हाँ सिराजे हिंद एरिया कहाँ पे पड़ता है आप वो बोलते हैं सर सिराजे हिंद से हम सोचते हैं भारत हिंद शिवपुरी कौन बहुत बड़ा दूर है बेटा उज्जैन से बच्चे अभी हमारे साथ जुड़ के पढ़ते हैं हम्म तुम्हारा उज्जैन हो चाहे शिवपुरी तुम्हारा हो गया भोपाल हो गया जैसल जैसलमेर से भी कुछ बच्चे थे जैसलमेर राजस्थान वाला फिर यहाँ पे बड़ौदा वगैरह हो गया और कौन है नीमच हो गया इधर मतलब जो राजस्थान से सटा हुआ उधर से ज्यादा लोग आते थे मेरा नाम प्रकाश है प्रकाश प्रजापति सर लाइक तो भाई मिर्जापुर से है हाँ <laughs> बलिया से है हाँ। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है और आप औराएं, औराएं क्या और चलिए ठीक है बहुत अच्छा सभी लोग लाइक करें शेयर करें और नित्य प्रतिदिन समय से आए चार बजे जो है क्लास होती है संस्कृत की होगी और शाम के साढ़े आठ बजे साइंस की क्लास हम लेंगे ठीक है प्रकाश और वाराणसी बता देने प्रकाश प्रजापति अच्छा सिराजे हिंद जौनपुर कहा जाता है देखो ये जानकारी हमको नहीं था बिना बात किए कैसे पता चलता है ना भीत भीत जो डर वाला है भीत, ये भीत क्या है ये हमको दिमाग नहीं आ रहा है कोई बता दो भाई भीत माने क्या है तब बताओ उसका राधे राधे बहुत बढ़िया जौनपुर से चलिए ठीक है अगर भीत का डर होगा डर वाला होगा तो निडर बना सकते हैं आप लोग उसको ठीक एक होता है, है ना चलिए फिर ठीक है जो उनके शब्दों को समझ गया हो सेलिब्रिटी क्रिएशन का उनको अगर आप लोग उत्तर समझ पाए तो दे सकते हैं अदरवाइज आप क्लास बहुत अच्छी रहती है और आप प्रत्येक बच्चे के कमेंट्स पर ध्यान देते हैं इसलिए दूर दूर तक के लोग जुड़े हुए हैं आपसे बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल अरे भाई वो बागी है बलिया को बागी कहा जाता है एक एक दो लोग हमारे साइड में थे दर्द करते हैं बलिया बागी है सर हम कह हाँ। कानपुर चलिए बहुत अच्छा कानपुर वाले बहुत कम लोग पढ़ते हैं कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया सभी लोग लगता है काम में लपड़ जाते हैं चलिए ठीक है तो अभी बस इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में चार बजे सभी लोग समय से आ जाइएगा जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं चार बजे आइएगा और साढ़े आठ बजे साइंस की क्लास में जो लोग साइंस पढ़ेंगे साढ़े साड़, आठ बजे रात में मिलेंगे तो अभी के लिए बस इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग जय हिंद उसके बाद सर की क्लास तो होती है साढ़े नौ